हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका सिविल गुरुजी द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स। तो आज मैं आपके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेके आया हूं और ये टॉपिक है हमारे पास क्वांटिटी निकालना। एक्चुअल में जब भी हमारे घर में किसी स्लैब की या कोई भी कॉन्क्रीट का वर्क हो रहा होता है तो हमें आइडिया नहीं होता है कि उसके अंदर कितना सीमेंट लगने वाला है, कितना एग्रीगेट या कितना सैंड लगेगा। अगर हम किसी ठेकेदार को काम देते हैं तो वो हमें एक एवरेज अंदाज़ा बता के चला जाता है, जिससे नुकसान केवल और केवल हमारा ही होता है। अगर मटेरियल कम पड़ गया तो हमारे स्लैब की कास्टिंग इफ़ेक्ट हो सकती है, हमारी कॉस्ट भी इफ़ेक्ट हो सकती है, और अगर मटेरियल ज़्यादा आ गया तो वो हमारा वेस्टेज हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए अगर आप चाहे कि इंजीनियर हो या ना हो, तब भी आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। आप अपने घर की स्लैब की कास्टिंग में पता कर सकते हो कि उसके अंदर कितनी सीमेंट, कितना सैंड, कितना एग्रीगेट लगेगा। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है स्लैब का। ये जो मैंने यहाँ पे स्लैब का एग्जांपल लिया है, इस स्लैब की जो लेंथ है वो 6 मीटर है, विड्थ हमारी 5 मीटर है, और जो मैंने इसकी डेप्थ लिया वो लिया मैंने 150 mm, यानी कि 0.15 मीटर। तो अगर इस स्लैब की कास्टिंग हो रही हो और इसके अंदर कॉन्क्रीट तो आएगा ही, तो मुझे पता करना है कि इसके अंदर कितना सीमेंट सैंड एग्रीगेट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं, जो कुछ हमें स्पेसिफिक पता होने चाहिए, जैसे कि अगर मेरी कॉन्क्रीटिंग हो रही है तो वो किस ग्रेड की हो रही है। तो यहाँ पे जो मैं कॉन्क्रीटिंग करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ मैं M25 ग्रेड की। किसकी? M25 ग्रेड की। अब ये M25 ग्रेड की मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसका रेशियो भी पता होना चाहिए। तो उसका रेशियो होता है 1:1:2। अब ये 1:1:2 क्या है? 1:1:2 का मतलब है कि यहाँ पे वन पार्ट मेरी सीमेंट होने वाली है, वन पार्ट मेरा यहाँ पे सैंड होने वाला है, और टू पार्ट मेरे पास यहाँ पर एग्रीगेट होने वाला है। तो ये तीन चीज़ें कॉन्क्रीट के अंदर लगती हैं। तो सबसे पहले मैं पता करूँगा कि मेरे पास सीमेंट के कितने बैग्स लगने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मुझे क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालना है। तो उसके लिए मैं कैसे निकाल सकता हूँ? सबसे पहले आप सीमेंट का रेशियो लिखेंगे। तो सीमेंट कितना मेरे पास यहाँ पे वन पार्ट, कितने में से? 1+1+2, 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि 4 में से एक भाग मेरे पास क्या है? सीमेंट है। उसके बाद इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे ड्राई कोफिशिएंट का, उसके बाद हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अपने स्लैब की क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्लैब की क्वांटिटी भी निकाल देते हैं। तो स्लैब की क्वांटिटी कितनी आने वाली है वो आएगा, तीनों डायमेंशन का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 × 3 × 0.15। तो कितना हो जाएगा? 5 × 3 = 15, 15 × 15 = 225। पॉइंट कितने के बाद है? 2 के बाद। तो यहाँ पर कितनी क्वांटिटी आ गई? 2.25 क्यूबिक मीटर। अब जो ये मेरा रेशियो था 1:4, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2.25 क्यूबिक मीटर, यानी इतने क्यूबिक मीटर के इतने चार भाग में से एक भाग मेरे पास सीमेंट लगने वाला है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जब भी हम ये मसाला बनाते हैं या कॉन्क्रीट बनाते हैं तो ये ड्राई होता है, जब इसके अंदर हम पानी डालते हैं तो कुछ अमाउंट में कम हो जाता है। तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए हम एक ड्राई कोएफिशिएंट पढ़ते हैं। अगर आपको ड्राई कोएफिशिएंट नहीं पता है तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा एक्चुअल में ड्राई कोएफिशिएंट क्या है। तो अभी हम यहाँ पे याद रख लेते हैं, इसके अंदर ड्राई कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे और वो ड्राई कोएफिशिएंट क्या है मेरे पास, वो रहेगा मेरे पास 1.54। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पर ड्राई कोएफिशिएंट कितना है मेरे पास? 1.54। तो यहाँ पे 1.54 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर हमारे पास वो आएगा 0.866 क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पे मुझे पता लगा कि जो मेरा सैंड सीमेंट है वो कितना लगने वाला है, 0.866 क्यूबिक मीटर। बट क्या हम सीमेंट क्यूबिक मीटर में लेके आते? नहीं, वो लेके आते हम बैग में। तो पहले मुझे क्यूबिक मीटर को किलोग्राम में लेके आना होगा कि इसमें कितना सीमेंट लगने वाला है। तो सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है उसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सीमेंट डेंसिटी वो होती है हमारे पास 1440 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो ये हमारी सीमेंट की डेंसिटी होती है। तो जब हम इसमें मास में डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वेट निकल के आता है। तो यहाँ पर मैंने डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया 1440 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर से क्यूबिक मीटर कट हो जाएगा,
तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा मेरे पास यहाँ पर 1247.04 किलोग्राम। तो इतने किलोग्राम सीमेंट लगने वाला है, लेकिन किलोग्राम में भी सीमेंट नहीं आती, सीमेंट किस में आती है, पैकेट में, यानी कि बैग्स में आती है। तो बैग्स में बदलने के लिए मुझे पता है कि एक सीमेंट बैग का वेट कितना होता है, 50 kg, तो इसको मैं चेंज करूँगा बैग्स में। तो यहाँ पर 1247.04 में डिवाइड करूँगा 50 का, तो जो मेरे पास डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा वो आएगा मेरे पास 24.9 या अप्रॉक्सीमेट हम बोल सकते हैं 25 बैग। तो इंजीनियर्स देखा आपने, यहाँ पे हमने कितनी आसानी से निकाल लिया है कि इस स्लैब के अंदर 25 बैग्स लगने वाले हैं सीमेंट के। तो यहाँ हम इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं ये थोड़ी सी लेंदी हो रही है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अगर आपने इसे लिख लिया हो तो मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ, इसे थोड़ी सी कैलकुलेशन को मैं थोड़ा ईजी करता हूँ। कैसे करेंगे, सिंपल लिखेंगे कि मुझे बताएं यहाँ पर ये 1/4, 2.25, 1.54, ये तो मेरा क्या था, क्वांटिटी थी, ये मेरा ड्राई कोफिशिएंट था। अब मुझे इसको चेंज करना है किस में, बैग्स में। तो आपको पता है मैं इसको बाद में डेंसिटी से मल्टीप्लाई करूँगा, और डेंसिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद मैं इसे 50 से डिवाइड भी करूँगा। तो इसे हम पहले ही कर लेते हैं, तो 5 × 2 = 10, 5 × 8 = 40, 5 × 8 = 40, तो कितना निकल गया है, 28.8। तो जब भी आपको इस तरह से सीमेंट को डायरेक्टली बैग में निकालना हो तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम 28.8 का। तो जैसे हम 28.8 का मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखोगे आपके पास सेम वही आंसर आने वाला है, 24.9 विच इज़ अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 25 बैग। तो ये आपके पास सीमेंट के बैग आ गए हैं। सिमिलरली हम इसी तरीके से सैंड की क्वांटिटी निकालेंगे, क्वांटिटी ऑफ सैंड। तो यहाँ पर सैंड का कितना पार्ट है हमारे पास, 1 पार्ट है, तो 1/4 इंटू क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, 2.25। ड्राई कोएफिशिएंट हमारे पास सेम रहेगा 1.54 इंटू, अब क्या हम इसमें 28.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों का। तो क्वांटिटी हमारे पास सेम आने वाली, जिससे हमारे पास पहले आया था 0.866, लेकिन ये हमारा किस में आंसर आया है, क्यूबिक मीटर में। तो हो सकता है कई सारी जगह हमारे पास सैंड क्यूबिक मीटर में आती हो, लेकिन बहुत ज़्यादातर जगह CFT में देखने को मिलती है, यानी कि क्यूबिक फुट में हमें देखने को मिलती है। तो हमें इस चीज़ को क्यूबिक फिट में चेंज करना होगा, तो वो हम कैसे करेंगे, वो करेंगे हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 0.866 में 35.31 का। तो जैसे हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 30.58, कितना आएगा, CFT, यानी इतने क्यूबिक फुट हमारे पास उसमें सैंड लगने वाली है। अगर हम बात करें एग्रीगेट की क्वांटिटी, तो एग्रीगेट की क्वांटिटी हम कैसे निकालने वाले, सिमिलरली निकालने वाले हैं। भाई एग्रीगेट का कितना पार्ट है इसमें, 2, कितने में से, 4 में से, 2 पार्ट है, कितने में से, 4 में से। क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, 225। ड्राई कोएफिशिएंट कितना हमारे पास, 1.54। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आने वाला है, वो आने वाला है 1.73, और 1.73 ये अगेन क्यूबिक मीटर में है, लेकिन हमें आंसर चाहिए CFT में, तो हम अगेन इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 35.31। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 61.17 CFT। लेकिन अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि मैं इसमें 35.31 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक यूनिट होती है क्यूबिक मीटर को क्यूबिक फुट में बदलने के लिए। अगर आपको इसे जानना है कि हम क्यूबिक मीटर को क्यूबिक फुट में कैसे चेंज करते हैं, तो इसकी यूट्यूब पर वीडियो डली हुई है मेरी, या आप सिविल गुरुजी यूनिट कन्वर्जन की क्लास भी डालोगे तो बहुत सारे टीचर्स की क्लास ओपन होकर आ जाएगी, जहाँ आपको पता लग जाएगी 35.31 कैसे आता है। तो देखा इंजीनियर्स, हमने बड़े आसानी से लगा बता दिया कि इसके अंदर 25 बैग हमारे पास सीमेंट के लगने वाले हैं, 30 फिट, अगर आप टेक्निकल लैंग्वेज की बात करेंगे तो 30 क्यूबिक फुट बोलेंगे, लेकिन जो लोकल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, जब आप सीमेंट या सैंड, जब आप सैंड या एग्रीगेट खरीदने जाते हैं, तो वो डायरेक्टली बोलते हैं 80 फिट माल है ट्रॉली के अंदर, 100 फिट माल है। एक्चुअल में वो बोलते फिट है, लेकिन उनका मतलब क्यूबिक फुट ही होता है। तो यहाँ पर 30 फिट माल लगने वाला है सैंड का, और यहाँ पर एग्रीगेट का कितना माल लगने वाला है हमारे पास, जिसे 61 एग्रीगेट हमारे पास उसमें लगने वाला है क्यूबिक फुट में। तो इतनी ही आसानी से हम किसी भी चीज़ की क्वांटिटी निकाल सकते हैं, आप चाहे वो कॉलम की कास्टिंग हो रही हो, चाहे वो बीम की कास्टिंग हो रही हो, चाहे वो स्लैब की कास्टिंग हो, मतलब जहाँ पर भी कंक्रीट का वर्क हो रहा है वहाँ आपको 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखनी है, तो आप क्वांटिटी निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो आपको उसका ग्रेड पता होना चाहिए, कौन सी ग्रेड का वहाँ कॉन्क्रीट यूज़ हो रहा है, M5 का हो रहा है, M7.5, M10,
M15, M20, M25 और भी ग्रेड्स होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। उस ग्रेड से आपको पता लगता है रेशियो का। जब रेशियो आपको पता लग जाता है, उसके बाद आपको दूसरी चीज़ पता होनी चाहिए, वो पता होनी चाहिए ड्राई कॉफिशियंट, कि ड्राई कॉफिशियंट क्या होता है। जब तक आपको ड्राई कॉफिशियंट नहीं पता होगा, तब तक आपका जो क्वांटिटी निकालते लोगे लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होगी। और उसके बाद आप इन दोनों चीज़ों को पता करने के बाद आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कि आपके पास में कितना मटेरियल लगने वाला है। तो दोस्तों, इस तरह की और नॉलेज लेने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं सिविल गुरुजी के ऑफलाइन बैच को। यहाँ हम इंजीनियर्स को 2 मंथ का ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें वे जानते हैं कि एक सिविल इंडस्ट्री में कैसे काम होता है। क्योंकि हम 4 साल की डिग्री तो कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास स्किल्स नहीं होती है, तो वो स्किल्स प्रोवाइड करते हैं हम। तो आपको भी अगर इसकी ये स्किल्स चाहिए तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं सिविल गुरुजी का ऑफलाइन ट्रेनिंग बैच। आपको अगर इंक्वायरी करना है तो उसका नंबर है 9111001234। तो आप उस नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं। ये नंबर मेरे स्क्रीन के नीचे भी चल रहा है, आप उस पर कॉल करें और पता करें आपके नियर बाय कौन सी ब्रांच है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नॉलेज के साथ। जय हिंद, जय भारत।